निगरान वज़ीर आज़म के माली इख्तियारात में इजाफे के लिए इलेक्शन एक्ट में तरामीम तैयार। इलेक्शन एक्ट 2023 में 54 तरामीम तजवीज़ कर दी गईं। निगरान हुकूमत बैनुल अक़वामी इदारों और गैर मुल्की हुकूमतों के साथ माहिदों से मुतालिक फैसलों की मजाज होगी। प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नतज देने का पाबंद होगा। इंटरनेट ना हुआ तो नतीजा खुद सफ़र करके पहुँचाया जाए। नया शनाख्ती कार्ड बनने पर नादरा हर फर्द का डाटा फौरी इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। शनाख्ती कार्ड बनते ही शहरी का वोटर लिस्ट में इंदराज लाजमी होगा। पोलिंग डे से 5 रोज कबल पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा। हल्का बंदियाँ वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक ऐलान से 4 माह कबल मुकम्मल होगा। कानून में सर वक्त के साथ साथ कुछ तरामीम करना पड़ती है। कमेटी ने तजवीज़ किया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब रिजल्ट टेबुलेट कर लेंगे तो वो फॉर्म 45 की फ़ोटो बना के स्नैपशॉट जो है वो ट्रांसमिट करेंगे इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को, और पोलिंग एजेंट्स को दस्तखत शुदा कॉपी देंगे। जो कि नहीं देंगे तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। कौमी असम्बली ने 12 अगस्त को अपनी मुदत पूरी करनी है। हमारा फ़र्ज़ है ज़ेरे इल्तवा तरामीम ईवान के सामने लाएँ। इलेक्शन एक्ट में तरामीम इतफाक़ राय से की गई। ये एक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। सियासी जमातों के मुतअद्दिद एतराज़ात थे, कोई चीज़ छुपा कर नहीं कर रहे, हर चीज़ वाज़ेह है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का पार्लियामेंट के मुश्तरक अजलास से खिताब। पार्लियामेंट के मुश्तरक अजलास में ख्वाजा आसिफ और पीटीआई के खवातीन अरकान के दरमियान झड़प। तहरीक इंसाफी खवातीन पहले अपना दामन देखे फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। ये सब अरकान पीटीआई के कूड़ा क्रिकेट हैं। जिस शख्स का दिफा खवातीन करेंगी उसकी बहादुरी क्या होगी। माजी में 1 मिनट में 54 कवानीन मंजूर हुए तो ये लोग डेस्क बजाते रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। खवातीन सेनेटर्स के एहतजाज पर स्पीकर ने मुतअद्दिद अल्फाज हज़्फ करा दिए। ज़िला खैबर के इलाके जमरूद में खुदकुश धमाका। एडिशनल SHO अदनान अफरीदी शहीद, एक अहलकार जख्मी। ज़ेरे तमीर मस्जिद में 2 मशकूक अफराद की मौजूदगी पर पुलिस ने कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान एक खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ा लिया, एक गिरफ्तार। कालादम TTP के दहशतगर्दों ने 7 माह में 2 मसाजिद को निशाना बनाकर शहीद किया। आज अमरूद में दहशतगर्द की मस्जिद में घुसने की कोशिश बहादुर पुलिस SHO अदनान अफरीदी ने नाकाम बनाई। इससे पहले पुलिस लाइन्स पिशावर की मस्जिद को नमाज के दौरान निशाना बनाया गया था। कालादम TTP के दहशतगर्द कुरान मस्जिद की हुरमत को भी पामाल कर चुके। दहशतगर्द इस्लाम और शरीयत के नाम पर वतन अजीज के असल दुश्मन हैं। चेयरमैन PTI ने सियासत चमकाने के लिए रियासत कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साबिक हुकूमत ने IMF से माहिदा तोड़ा। मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो ये क़यामत तक माथे पर काला धब्बा होता। हल्फ उठाया तो मुश्किल हालात का एहसास था, अंदाज़ा नहीं था सूरत हाल इतनी तबाहकुन है। रियासत को बचाने के लिए बड़ी कीमत अदा की लेकिन कदम नहीं डगमगाए। IMF माहिदा करने के लिए पापड़ बेलने पड़े। बड़े बड़े समायकार बिजली चोरी करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का DI खान में खिताब। मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया।